बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइज़, मुझे एक पर्ची मिली गेट पे। एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको मैं ऑफ़र करूँ फेसबुक पेज की। सो उससे तो मैं ऑफ़र कर ही लूँगा। मुझे एक और आइडिया आया अपने दोस्त का। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ क्या है। मैंने उसको कॉल की, उसने मुझे बताया कि ये चीज़ें हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे अपना फेसबुक पेज बनाओ। बहुत खुश हुआ वो। सो दोस्त मेरा बहुत खुश हुआ। फिर कॉल पे बात हो गई, साथ ही मैंने इसको रिक्वायरमेंट्स भेजी। अब ये HBA सर्विसेज से ये पता चला था, बिज़नेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और सारा कुछ। सो फिर मैंने जल्दी से मोबाइल से जो नाम उसने मुझे बताया वो मैंने सोचा कि मैं इसको फिर बुक कर लेता हूँ, आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। बाद में उसने काफ़ी चेंजेस भी करवाई हैं, जाहिर सी बात है बंदा कराता है, ठीक है। सो जो नाम उसने मुझे बताया मैं वो रिज़र्व करने जा रहा हूँ ताकि कोई और ना रख सके, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं यूज़र नेम भी सेट करूँगा इसका अगर मुझे ऑप्शन मिली तो। कैटेगरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी मैंने इस बारे में सोचा, आपको बताता हूँ। ये देखें, ये तीन बेस्ट कैटेगरीज़ हैं जो मुझे लगी हैं फिट इस पर। अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी मैं पेज बनाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आगे प्रोसीड हो सके। सो अभी तो बस किसी तरह पेज बन जाए एंड दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं कि पेज अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, और मोस्टली मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है मोस्टली इस पे भी शो होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है वो कंप्यूटर पे ही आपको शो होता है। सो इसमें मैंने फिर कैटेगरी भी आप इसको सेट कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पेज को अनपब्लिश करना, वो मैंने मोबाइल से आपको बता दिया इसका तरीका, आप फॉलो कर सकते हो। जर्नल पे जाकर इजीली आपकी सेटिंग है तो आप उसको जाकर अनपब्लिश कर सकते हो। अनपब्लिश करने में फ़ायदा ये होता है कि देखें और भी बहुत सारे पेजेस हैं, काम करना बहुत आसान होता है इस पर, जो कि मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखें कि ये पेज अनपब्लिश है, इसको पब्लिश करने के लिए बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। सो ये तीन बेस्ट कैटेगरीज हैं जो पे मैंने इस पे सेलेक्ट किए, आप पॉज करके इसको देख सकते हो। सो ग्लोबल पिंक साल्ट, बाद में इसने नाम चेंज करा लिया था। अब मैं प्रोफाइल जो कि मैंने उसकी ऑलरेडी पिक्चर करा ली है वो, और कवर पिक्चर मैंने इसको अपडेट करनी है, लेकिन कवर पिक्चर मैं बाद में मोबाइल से अपडेट कंप्यूटर से सॉरी अपडेट करूँगा। सो इसमें मैं अब जो मेरा फ्रेंड है उसको मैं एडमिन बनाने जा रहा हूँ ताकि पेज उसको भी शो हो, क्योंकि अनपब्लिश किया हुआ है तो वो शो नहीं होगा इस वक्त। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो किधर जा रहे हैं आप तो समझे कि वीडियो ख़त्म हो गई। ये देखें, और ये मेरा पेज है लेकिन इस पे URL आपको शो नहीं हो रहा है, ऐसा ही है। गौर से देखें, पेज के साथ URL ही नहीं है तो फिर ये कैसा पेज है। नाम से तो सर्च नहीं होता, इसका मतलब है इसका एनोनिमियस किस्म का ही URL होगा। अब इस URL को सही कैसे करना है ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये आपको शो हो रहा है, अबाउट पे जाएं तो आपको ऑप्शन शो होती है कि आपने यूज़र नेम कैसे एडिट करना है। ये आपके सामने मैंने क्लिक किया उस पर, एडिट यूज़र नेम पे। सो यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए इस यूज़र नेम के बिहाफ पे। www.facebook.com/ आपका यूज़र नेम, आपका पेज अपीयर हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये मैं लिखने जा रहा हूँ। सो मैं इजी बुकिंग अगर लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ, देखें ये यूनिक नहीं है, ये पहले से किसी ने रखा हुआ है। सो मैं जो पेज का नाम है वही लिखता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें, ये यूनिक है, ये नाम मैं रखने जा रहा हूँ। अब ये नाम सिर्फ मेरे पेज का होगा और ये नाम कोई और नहीं रख सकता। सो पेज का नाम सेम हो सकता है लेकिन पेज का यूज़र नेम सेम नहीं हो सकता। ये जैसे मैंने सेव किया, ये देखें, ये आप लोगों को शो हो रहा है, ये देखें, ये अब सेव हो गया। सो facebook.com ईजी बुकिंग PK ये पेज यूज़र नेम हो गया। सो अब इस पेज का ये देखें, ईजी बुकिंग PK एक यूनिक यूज़र नेम है। सो आते हैं अब सेकंड पेज की तरफ, ये ईजी पेंटर का पेज है, इसमें भी देखें कि URL सेट नहीं है, वही सेम अबाउट पे जाकर, ये देखें अबाउट पे क्लिक मैंने किया। सो क्रिएट पेज यूज़र नेम, सो ईज़िली ये देखें, ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यूज़र नेम इसका ऑल सेट हो गया। सो वो तो थे मेरे पुराने पेजेस, और जो अभी पेज बना रहा था जो
वीडियो जिससे रिलेटेड है इसका भी यूज़र नेम मैं सेट कर दूँ। आपको पहले ये सब इसलिए दिखाया कि अगर आपके ज़ीरो फॉलोअर्स भी हैं, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो आप इजीली यूआरएल सेट कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है फेसबुक की तरफ से कि आपके 25 फॉलोअर होने चाहिए या 30। आप समटाइम्स आप पेज बनाते हो तो आपको डायरेक्टली शो होता है, लेकिन समटाइम्स नहीं होता। ये देखें, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अबाउट में जाकर बआसानी एक यूनिक यूज़र नेम सेट कर सकते हैं, और जो कि मैंने कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने फेसबुक ऐप पे जाकर उस पेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब पेज पे मैं जाता हूं तो देखें इस पे ये लोगो भी शो हो रहा है। व्यू प्रोफाइल पिक्चर को देखते हैं, ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर अभी सिंपल से किया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी प्रोफेशनल मज़ीद कर लूँगा, और मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर भी दिखा दूँ। इसको मैं एनिमेट भी करूँगा इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम मिलेगा। और ये देख सकते हैं कि व्हाट्सएप ऑलरेडी, क्योंकि अब वो भी ऑलरेडी इसके साथ लिंक्ड है। और यूज़र नेम देखें, www.facebook.com/globalpinksalt, ये अब इसका हमने फ़ाइनल नेम रखा है एज़ पर यूज़र। सो इसकी अब इंशाल्लाह शॉप भी क्रिएट करेंगे ताकि कई प्रोडक्ट्स और वो सारी चीज़ें अब हम इनलिस्ट कर सकें इंशाल्लाह। और ये पेज बिल्कुल एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल ऑलमोस्ट हो गया है। मज़ीद जो चेंजेस हैं वो अब हम करते चले जाएंगे। सो ये थी वीडियो। आप बिल्कुल यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है। किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मास्कमैन पीके लिंक है, आप कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।